जिला मुख्यालय पौड़ी स्थित बस अड्डे में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब आपदा कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि बस अड्डे में भूकंप के झटकों से एक बस के अंदर बैठे कुछ यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया, जिसके बाद रेस्क्यू से संबंधित विभाग एकाएक बस अड्डे पहुंचने लगे। सबसे पहले घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देने के लिए पुलिस बल के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, जिसके बाद अन्य संबंधित विभाग भी राहत और बचाव का कार्य करने के लिए मौके पर पहुंचे। हालांकि बाद में रेस्क्यू के नोडल अधिकारी जेएस कौंडल ने बताया कि भूकंप के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत जिला मुख्यालय पौड़ी के दो अलग अलग जगह मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक की गई। आज कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर मैं एसी कमांडर को अपनी पूरी टीम को लेकर के यहाँ आया। उसमें हमारी मेडिकल की टीम थी, पीडब्ल्यूडी की टीम थी, फूड और सप्लाई से हमारे साथ आदमी थे। यहाँ पर देखा तो बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी, इसमें तीन लोग घायल थे और एक की कैजुअलिटी, चार लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और सभी को एम्बुलेंस से भेज दिया गया। ये हमें उच्च स्तर से और डीएम साहब का जो निर्देश मिलता है उस हिसाब से पूरा कोऑर्डिनेशन पौड़ी में पहले से ही बना हुआ है, उसी का ही फल है कि हम जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने में सफल हैं। थैंक यू। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट।